से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि क्योंकि अगर सिक्स शेड्यूल बोलना इतना गुनाह होता, पाप होता, जुर्म होता, तो पहले ही वो बिंदु पहले बिंदु नहीं बनाते मैनिफेस्टो में, उनको पूरी छूट थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया था, तो पहले बिंदु में नहीं रखते, तभी कहते ये आपको नहीं मिलेगा, हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं। वादा करना फिर हमारे जो पर्वतों में ग्लेशियर्स हैं वो सूख ना जाएं, और जिसकी सजा सिर्फ लद्दाख ही नहीं भुगतेंगे। बहुत बार मैंने देखा है लोग सोचते हैं ये लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं, संरक्षण क्यों चाहिए इन्हें, तो ये लद्दाख के अकेले के लिए नहीं मांग रहे हैं। आज हमारी बारी है अकाल का, बाढ़ का। एक साल में बाढ़ आता है तो दूसरे साल में अकाल पड़ता है, ऐसी परिस्थिति हुई है लद्दाख में, पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन के वजह से, और स्थानीय जो मानवीय कारकर्दगी है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, उनके वजह से। तो इनसे हिमालय को बचाना, इनसे लद्दाख को, इनके ग्लेशियर्स को बचाना आप सबका कर्तव्य है, सिर्फ लद्दाख के दो चार लोगों का नहीं। उनकी बारी आज आई है, उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है गांव से बिना पानी के। कल को आपका पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित होगा। कहा जाता है कि इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जो कि दुनिया की चौथी आबादी है, और पूरा उत्तर भारत सीधे या इनडायरेक्टली इन पे निर्भर करता है। तो इन्हें बचाए रखना, इन्हें संजोए रखना आप सबका भी कर्तव्य है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और इसमें हम एक तरफ सरकार से संरक्षण की मांग कर रहे हैं, नीति परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि लद्दाख जैसे संवेदनशील पहाड़ों को और वहाँ के लोगों को, उनके संस्कृति को, क्योंकि ये संस्कृति हजारों सालों में पनपा है इन पहाड़ों के साथ, तो यहाँ के लोग जैसी जीवन शैली व्यतीत करते हैं वो इस प्रकृति के संतुलन के साथ बहता है। तो ऐसे संस्कृति को बचाए रखना सिर्फ लद्दाख के लोगों का फर्ज नहीं है, दायित्व नहीं है, भारत का और दुनिया का दायित्व है। वैसे भी आज जो भारत में जनजातीय लोग रहते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के किनारे, उनसे बहुत बड़ी सीख है जो दुनिया को लेनी होगी। अगर हम आज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने का, तो वो बंबई और दिल्ली के इन हालात से कुछ दुनिया को सिखाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर दुनिया भारत से सीखे तो वो सीखे जो यहाँ की मौलिक ज्ञान है, जिसे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं, वो आज पर्वतों में, जंगलों में, आदिवासी जनजातीय लोगों में अभी भी निहित है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी संपदा है, जो कि दुनिया भर के लिए एक सीख हो सकती है, कैसे सादगी भरे जीवन में लोग खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। ये संतुष्टि का ज्ञान आज दुनिया को जरूरत है, और उसके लिए दुनिया विश्व पूरा भारत की तरफ मुख कर सकता है। इसलिए भी इन पहाड़ों के लोगों का, उनके संस्कृति का, उनके ज्ञान की हमें कद्र करनी चाहिए, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं। तो ये मैं कहना चाहता था पर्यावरण के दृष्टि से। अब दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र की दृष्टि से कहें तो आपको याद होगा 3 साल पहले लद्दाख एक यूटी बना था, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश, और हम सब बहुत खुश हुए थे क्योंकि हमने ये सोचा था कि जो हमने मांगी थी वही दिया जा रहा है। तो मांगा क्या था लद्दाख ने, मांगा ये था कि पहली बात यूटी विद लेजिस्लेचर, जहां पर यूटी हो, स्वायत्त हो, मगर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एक यूटी हो, यूटी विद लेजिस्लेचर। हर बार मैंने खुद देखा है पिछले 30 सालों में हमारे नेतागण जब भी मांग करते थे यूटी विद लेजिस्लेचर मांगते थे, तो ये जो हमें मिला यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, हमने सोचा शायद
वो भी आ रहा होगा, इसलिए हमने इसे एक डेमोक्रेटिक डेवल्यूशन ऑफ पावर ऑटोनॉमी के रूप में देखा था कि विकेंद्रीकरण स्थानीय लोगों को सशक्त करने की एक प्रक्रिया होगी। मगर बाद में हमें पता चला ये तो केंद्रीयकरण था। यहाँ तो जो हमारे कुछ प्रतिनिधि जाते थे जम्मू कश्मीर में, 4 MLAs और 2 शायद MLCs, वो भी समाप्त हुए, वो जीरो पे पहुंच गया। जहाँ तक हिल काउंसिल की बात है, अभी आपने सुना उनके शक्तियाँ भी अब डाइल्यूट हो रहे हैं, उनको भी बहुत हल्का और कमज़ोर किया जा रहा है। और वैसे भी जो हिल काउंसिल है उनमें उन्हीं में जनता के प्रतिनिधित्व है, मगर उनके पास लद्दाख के विकास में क्या हिस्सा हाथ में लगता है, केवल 8-9%। जो 6,000 करोड़ की हम बात करते हैं उसमें से 500 करोड़ के लगभग इनके हाथ में है, बाकी 5,500 करोड़ या लगभग ये सब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने हिसाब से, उनके सूझबूझ से, उनके समझ से, जो कि ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख से नहीं होते तो उन्हें समझ नहीं होती, 3-4 साल लगते हैं समझने में और 3-4 साल में उनके जाने का वक्त हो जाता है और कोई नया ना समझ आके फिर समझना शुरू करें। तो ये हालत है लद्दाख के प्रशासन का, ये विकेंद्रीकरण नहीं था, ये एक केंद्रीकरण निकला, इसका हमें बहुत दुख है। और हम उम्मीद करते हैं देर है अंधेर नहीं है कि लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेशन ज़रूर देंगे, जैसा जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे तो लद्दाख में स्टेटहुड क्यों नहीं। लद्दाख ने क्या गुनाह किया है कि वो स्टेटहुड के काबिल नहीं है। तो आज लद्दाख के लोग हालात को देखते हुए फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई गलत कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक मान की बात होगी कि छोटे से छोटे दूर से दूर प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी अपना हक लोकतंत्र के हिसाब से चलाने का मिलेगा और वो होगा स्टेटहुड। कुछ कहते हैं कि इतना छोटा प्रदेश स्टेट कैसे हो सकता है, जब सिक्किम स्टेट बना था तो 2-2.5 लाख की आबादी थी, तब अगर हो सका वो भी आज से 50 साल पहले, तो आज क्यों नहीं हो सकता है लद्दाख के 3-3.5 लाख की जनसंख्या के साथ। ये कहते हैं ना जगह दिल में होने चाहिए, तो ये दिल की बात है न्याय कानून से भी ज्यादा। और लद्दाख जिस तरह से एक अलग भौगोलिक परिस्थिति है, मैं तो कहता हूँ कभी कभी ये अलग ग्रह की तरह है, अनदर प्लेनेट कंपेयर टू एनी प्लेस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। लद्दाख कम्स क्लोजेस्ट टू आउटर स्पेस, क्लोजेस्ट टू अनदर प्लेनेट। तो ऐसे एक अलग भौगोलिक परिस्थिति को यहाँ के लोगों को अगर हम हक देते हैं वो जैसे संचालन करें, वैसे जैसे उन्होंने हजारों सालों से किया था, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बचाव और रखरखाव के साथ किया था, वैसे ही अगर करने दें तो क्या बुरा हम मांग रहे हैं। कभी किसी लद्दाख के शहरी ने, किसी सिटीजन ने ये नहीं कहा कि हम कहीं अलग होना चाहते हैं, वो तो बल्कि हमेशा से भारत के साथ और भारतीय सेना के साथ हर जंग में आप गिनिएगा आगे बढ़े हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो अपनी मुश्किलातों के वजह से मांग रहे हैं कि हमें अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य खुद निर्माण करने का अधिकार दिया जाए, तो कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस पर ज़रूर गौर करेंगे। ये थी लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र की जो दूसरी बात डेमोक्रेसी की मैं कहना चाहता था वो ये कि अगर लद्दाख को जो वादा किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, वो अगर पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास उठ जाएगा, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में। और एक भारत एक उदाहरण बन जाएगा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी होता है, लोगों के साथ मजाक भी होता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब लद्दाख एक यूटी बना था तो लोगों को पक्का विश्वास था कि जो लद्दाख के पहाड़ों का, यहाँ के
लोगों का संस्कृति की जो संरक्षण है वो अब अनुच्छेद 244 में से मिलेगी, क्योंकि पांचवा और छठा शेड्यूल यही कहता है कि जहां जनजातीय संख्या जनसंख्या 50% से ऊपर हो वहां शेड्यूल एरियाज घोषित किए जाएं और उन्हें स्वायत्त दिया जाए, उन्हें अपना अधिकार दिया जाए, वो जैसे इस इलाके का प्रबंधन करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो ये तो जैसा कहते हैं नो ब्रेनर था, इसमें तो ज्यादा सोचने की बात नहीं थी। लद्दाख के लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर कोट दिया है तो बटन भी साथ होंगे, और फिर सरकार ने भी आश्वासन पे आश्वासन दिए थे, वो चाहे फिर गृह मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय हो, जनजातीय मंत्रालय हो, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST हो, सब ने सिफारिश की थी और आश्वासन दिया था कि लद्दाख को छठवें शेड्यूल में लिया जाएगा। और फिर जो लोकतंत्र की मैं बात कर रहा था, जब इलेक्शन हुए 2019 में संसदीय, तो उसमें मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने पहले तीन सबसे ऊंचे मुद्दों में रखा था लद्दाख को छठवें शेड्यूल में सम्मिलित करना। और फिर 2020 में जब बहुत ही प्रतिष्ठित चुनाव हुए थे लद्दाख पर्वतीय काउंसिल लद्दाख हिल काउंसिल के, तो फिर बिना लोगों के कहे खुद अपने आप से भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम बहुत आभारी हैं क्योंकि उन्होंने ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख को दी थी, तो उन्होंने खुद से पहला बिंदु रखा था लद्दाख को छठवें शेड्यूल में सम्मिलित करेंगे। तो क्या ये एक वादा होता है या नहीं, आप बताइए, जनता से एक वादा है कि नहीं, चुनावी घोषणा पत्र का कोई माने है या नहीं। मुझे यकीन है कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में जब एक सरकार जब एक पार्टी जनता को ये लिख के देते हैं कि आपके साथ पहला वादा हमारा छठवें शेड्यूल में आपको सम्मिलित करना है, तो लोग उस पे विश्वास करते हैं और लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं और हमारे चुने हुए नेताओं पर विश्वास करते हैं। तो यही विश्वास लद्दाख ने भी की और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अवसर दिया, और ये हक था क्योंकि उन्होंने ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दी थी और जिसके लिए हर बच्चा आभारी था। मगर दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने ये बिंदु एजेंडा में मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखा। दुख और हैरानी शौक इस बात का है कि धीरे धीरे वो लुप्त होने लगा हमारे वार्तालाप में से, सिक्स शेड्यूल की बात नहीं, खत्म होने लगा। और फिर कहते हैं ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहले गुल फिर गुलबदन फिर गुलबदामा हो गए। तो पहले वादा फिर खामोशी फिर एक जुर्म बन गया सिक्स शेड्यूल बोलना। तो आज ऐसी हालत है कि अगर लद्दाख में आप कोई युवा हैं और कहीं सिक्स शेड्यूल बोल दें तो आप हिरासत में पहुंच जाते हैं। तो ये वादा जुर्म कैसे बन गया ये हमें समझ नहीं आई। तो ये हम दुनिया को ये चरित्र नहीं दिखाना चाहते हैं, सबसे बड़ी लोकतंत्र का दुनिया में जो जनता से एक बार वादा करे तो हम उम्मीद करते हैं उसे निभाया भी जाएगा, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि इसे निभाया जाएगा, नहीं तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि अगर सिक्स शेड्यूल बोलना इतना गुनाह होता, पाप होता, जुर्म होता, तो पहले ही वो बिंदु पहले बिंदु नहीं बनाते मैनिफेस्टो में, उनको पूरी छूट थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया था, तो पहले बिंदु में नहीं रखते, तभी कहते ये आपको नहीं मिलेगा, हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं। वादा करना फिर ना निभाना, ये कहां की लोकतंत्र है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। तो इसलिए जब मैं देखता हूं कभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप ये सिक्स शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं, ये तो
गलत है। आप दिल्ली में हरियाणा में घूम सकते हैं मगर हम आपके वहां क्यों नहीं, जो मन चाहे कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई जुर्म नहीं था, ये वादा हमसे किया गया था हमारे नेताओं ने, तो हम उसी वादे को याद दिला रहे हैं और कुछ ज्यादा न कम बोल रहे हैं, बस आपके ही वादे को याद दिला रहे हैं। दूसरी बात, धन्यवाद।